यस सर। यस सर। सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, सबकी शक्ल दिखनी चाहिए। अगर अब किसी की शक्ल नहीं दिखी तो समझ लेना वो बाहर है। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से, इत्मीनान से और तसल्ली के साथ। देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मिनिमम दो क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाएंगे, मैक्सिमम चार भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन दो की तो गारंटी है। देखो, इस स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की कहानी कहाँ से शुरू होती है? सभी को पता है कि जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है? न्यूट्रिशन। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे न्यूट्रिशनल डिमांड सबकी बढ़ी। भारत में एक ऐसा भी दौर था जब सब कुछ सही था, कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर नहीं था, फिर भी जितने लोग थे उन सभी को तीनों टाइम भोजन नहीं मिलता था। ठीक, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ ऐसा कोरोना वाला सीन भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग भूखे पेट सोते थे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए। ठीक, और स्वामीनाथन साहब के ग्रीन रिवोल्यूशन के आने के बाद अब जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना इंक्रीज हो चुकी है। ठीक, और अब हमारा जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत हाई है। अब हम भूखे भी नहीं सोते हैं, साथ में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने अनाज का अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में। ठीक, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। ठीक, और भुखमरी गई, और इन सब के पीछे जो हाथ है वो स्वामीनाथन साहब का ग्रीन रिवोल्यूशन मेनली रोल प्ले करता है। उस ग्रीन रिवोल्यूशन की जो शुरुआत है या जो उसका स्टेप है और क्या क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये सारा आपको पढ़ना है। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहला कि ये प्लांट ब्रीडिंग है क्या, प्लांट ब्रीडिंग कहेंगे किसको? तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि ये एक पर्पसफुल मैनिपुलेशन है। पर्पसफुल मैनिपुलेशन है किसका? ऑफ प्लांट स्पीसीज का इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट जो बेटर सूटेड हो। किसके लिए, किसके लिए बेटर सूटेड हो? कल्टीवेशन के लिए। ठीक, कल्टीवेशन के लिए, और इसमें हो बेटर यील्ड, पैदावार उच्च कोटि का हो। कल्टीवेशन के लिए बेटर सूटेड किसके लिए होना चाहिए भाई? हम उनको इजिली कल्टीवेट कर पाए, उनकी यील्ड ज्यादा हो, और एक थर्ड पॉइंट कि वो जो पौधे हों वो डिजीज रेजिस्टेंट हो। ये जो पौधे हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक, अब देखो ब्रीडिंग के बारे में इंडिया में हमें बहुत पहले से पता चल गया था। जैसे ये जो पूरा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें आप दोनों, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी दोनों में पढ़ते हैं। ठीक, एक चैप्टर है लेकिन इसको दो लोग
मिलके पढ़ाते हैं। एक जुलोजी वाला पार्ट है जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और बी कीपिंग इन सबको इंक्लूड करते हैं, और दूसरा है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट वाला पार्ट है। तो प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री, ये दो ब्रांचेस हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर उनका केयरिंग, रेयरिंग और ये सारा पढ़ते हो आप, जूलॉजी में पढ़ा भी होगा, आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन प्लांट के केस में हम क्या कहते हैं कि ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, ये है क्या एक्चुअल में? इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट है उसमें हमने ऐसे ही उसको लगा दिया। इस पूरे ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर, ये पूरा जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट लेवल पे होगा, इस ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर हम उनका पर्पसफुल मैनिपुलेशन करते हैं, जो डिजायर्ड प्लांट बनेगा इस मैनिपुलेशन के बाद, उनके अंदर बेटर कल्टीवेशन रेट होगा, उनकी पैदावार ज्यादा होगी और उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट हो की कैपेबिलिटी होगी, क्रॉप यील्ड बढ़ेगा और उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और उनका टॉलरेंस का मतलब डिजीज रेजिस्टेंट भी उसका आता है, मतलब प्लांट का इम्यून वाला पार्ट है कि उनका टॉलरेंस बढ़ जाएगा। किन किन चीजों के लिए ये जो टॉलरेंस होती है प्लांट की, ये किन किन चीजों के लिए होती है? ये जो प्लांट की टॉलरेंस होती है, मतलब प्लांट किनको टॉलरेट करता है, किस तरह के जो, कल्पना बेटा वीडियो ऑन कर लो अपना प्लीज, इस टॉलरेंस में क्या क्या आएगा? इस टॉलरेंस में प्लांट सेलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है, उनको ऐसा बनाया गया कि सेलिनिटी को टॉलरेट कर पाए, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उस इस इंक्रीज टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए, जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको टॉलरेट कर पाए। तो बात समझ में आ गया, पूरी कहानी का जो मेन एम है वो यही है कि इसके अंदर आप क्या करोगी, इसके अंदर आप मेनली क्या करोगे, एक सेकेंड, आपकी क्लास का फोन आ रहा है, हेलो। तो बिना अपडेट किए भी आ सकते हो, बाद में कर लेना अपडेट, तो करो अपडेट फिर जल्दी से, अपडेट करके लॉगिन करो। देखो अब इसमें ये देखो क्या है, देखो हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, स्ट्रेटजीज के बारे में, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन में मैंने बोला कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक पूरी टेक्निक है जिसमें हम पर्पसफुल मैनिपुलेशन करते हैं प्लांट स्पीसीज का, किस लिए? ताकि हमें डिजायर्ड प्लांट मिले। डिजायर्ड का मतलब हम जैसा चाहते हैं, और हमारी चाहत क्या है? हमारी चाहत है कि उनका कल्टिवेशन अच्छा हो, उनकी पैदावार अच्छी हो और वो जो प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, किस, और उनके अंदर टॉलरेटिंग एबिलिटी हो, ताकि वो सेलिनिटी को भी टॉलरेट कर पाए, एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाए और इंसेक्ट पेस्ट को भी ये टॉलरेट कर पाए। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस सर। बेटा कल्पना अपना वीडियो ऑन करो, दिव्यम, गौरव सिंह सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके रखो। अब देखो इसके अंदर आप देखो, देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे इनका स्टेप कि क्या क्या होगा, इनको हम कैसे बनाएंगे, जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है, जैसे जब भी हम बात करेंगे प्लांट
रीडिंग प्रोग्राम्स, तो इस प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को कैसे कैरी करेंगे, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन पे काम करती हैं उनके लिए देखो। सबसे पहला क्या है कि अगर हम जनरेट करना चाहते हैं कोई नया जेनेटिक वैरायटी, जो मैं जिस डिजायर्ड प्लांट की मैंने बात करी थी ना, जिस डिजायर्ड प्लांट की मैंने बात करी थी, उस डिजायर्ड प्लांट की जिसके अंदर न्यू जेनेटिक वैरायटी की बात करे थे कि जो पहले से हैं उनसे हम क्या करें कि न्यू जेनेटिक वैरायटी डिजायर्ड प्लांट के अंदर आए ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को, सेलिनिटी को, पेस्ट को, सबको रजिस्ट करते हुए उनके जो यील्ड हैं वो मैक्सिमम पहुंचे। तो अब इसके पूरा का पूरा स्टेप है, ठीक, कि किस स्टेप के तहत हमें ये डिजायर्ड प्लांट मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट की जब हम बात करेंगे, स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे तो पहला काम हमें क्या करना होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है और इससे जो लाइन याद रखनी है वो ये है कि इस कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, जैसे हर एक प्लांट में जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, हर एक प्लांट के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। तो अब ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है यही रूट है किसका, किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का कलेक्शन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का कलेक्शन ही रूट है किसके लिए, किसी भी एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। जैसे अगर किसी को किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो सबसे पहला काम वो बंदा क्या करता है कि जितना भी कंटेंट है, जहां का भी कंटेंट अवेलेबल है, उन सारे कंटेंट्स को सामने रखता है, फिर उसको इवेलुएट करता है। तो सेम वही प्रोसेस प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम पहला काम क्या करेंगे, स्टेप वन के अंदर वेरिएबिलिटी का कलेक्शन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे स्टेप सेकंड की। इस स्टेप सेकंड में जैसे अब जितने जितनी किताबें आपने नीट के लिए खरीद के या स्टोर कर रखी हैं, क्या सारी पढ़ते हो? नहीं, सारी नहीं पढ़ते हैं। हमें लगता नहीं इस बुक से या ये पार्ट से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ उसी पर फोकस करते हो। कलेक्शन तो करते हैं, लेकिन कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, उनका इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहले कलेक्शन, फिर इवैल्यूएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, और इसमें हम बेसिकली जर्म प्लाज्म की बात करते हैं। इनका जो जर्म प्लाज्म है इसको इवैल्यूएट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, एंड आइडेंटिफाई क्या करेंगे, आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायर्ड कॉम्बिनेशन या डिजायरेबल कॉम्बिनेशन के अंदर, डिजायरेबल जो भी कॉम्बिनेशन है उसके लिए। अब इसके इवैल्यूएशन के अंदर हम बेसिकली बनाते क्या हैं, इस इवैल्यूएशन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन फॉलोइंग स्टेप्स में से प्योर लाइन जो क्रिएट होगी वो कौन से स्टेप में होगी, तो वो स्टेप सेकंड होगा जब हमें प्योर लाइन मिलेगा।
प्योर लाइन मिलेगा। प्योर लाइन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है मेंडल साहब के टाइम से ही। तो पहला प्रोसेस हो गया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा हो गया इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, ये दो बातें हमने बता दी, कलेक्शन और इवेल्युएशन। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप थर्ड की, हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप थर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। हाँ जी सर, आप ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा लो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आती है। तो बेटा अभी तक आपने क्या देखा, एक एक लाइन को जो अभी टॉपिक बता रहे हैं ना, इसमें उसमें ना हिंदी में बता ही दे रहे थे, मेरे को कभी भी समझ में नहीं आई इसमें। एक सेकेंड, अब पहले तुमसे बात ही कर लो।